17वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर के गांधी ग्राउंड में तिरंगा लहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत करवाया। असी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नू सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन की बहुत वड्डी गल है, क्योंकि सर्वोच्च भावना वो हुंदी है जड़ी देश ले जुड़ती है और साडे कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ी स्पिरिट है वह गुरुआ पीर की जड़ी सद्भावना सी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड ट्रीट, रिपब्लिक, लोगों की सरकार लोगों के वास्ते, लोगों की ताकत लोगों के वास्ते, इस स्पिरिट नूं अज असीं सैलीब्रेट कर रहे हैं। और मेरे वास्ते ये चंगे भाग की गल है, सब तो वड्डी सम्मान की गल है कि जड़ी मेरी कर्म भूमि रही और रेयर ओकेजन हुंदी है कि जेडे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच तुसीं हुंदे हो उत्थे तुहानूं आउण दा मौका मिले। मैं समझदा कि साडियां 21 पुश्तां दे विच सब तो वड्डा सम्मान सी जिस पोडियम दे उत्ते मैनूं खड़न दा मौका मिला और उहनां लोकां दा धन्नवाद करन दा मौका मिलिया जिन्हां ने 5-5 इलैक्शन जिता के साडे ते भरोसा कीता। विश्वास भरोसा मिट्टी के बर्तन वाग हुंदा, एक बार टुट जाए तो गूंद ला के 100 बार जोड़ी जाओ फिर वो जुड़दा नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी की नेता की सब तो वड्डी पूंजी हुंदी है लोगों का विश्वास कि लोग उन्हूं किस पद्धर के उत्ते तोलदे है। इस करके उन्हां अमृतसर के लोगों जिन्हां ने साडे लई अमृत बन के काम किया और जिथे 125,000 लोग नीवें होण आउंदे है, मुरादा पाउण आउंदे है, शुकराना करन आउंदे है, उत्थे आके ये मौका मिलिया। और ऐसे वडभागी दिन कि बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन होवे और 550 साल बाबा नानक दे जन्मदिन, उन्हां दियां आपदियां ही कृपावां ने कि अज सानू इस सेंचुरी की सब तो वड्डी सिख कौम नू, पंजाबी कौम नू दात मिली है कि बाबा जिथे 18 साल उच्च दा पीर बन के रहा, नाम जपो वंड छको किरत करो दा संदेश जिथे दिता, उस मिट्टी ते सानू जान दा मौका मिलूगा, सीस नवाउण दा मौका मिलूगा। सरकार दियां जो उपलब्धियां सी, जो सरकार दे लई उपेक्षावां सी, साडे लई कोई ये फुल्लां दी सेज नहीं सी कि असी कोई जादू की छड़ी घुमाउंदे और सारा कुछ कर दिंदे। ये बड़ा वड्डा एक्सपेक्टेशंस दा एक सिलसिला है जिदे ते खरे उतरना ये लगातार संघर्ष की गल है। संघर्ष साड़ी सरकार का गहना है, 2 लाख करोड़ का कर्जा असी इनहेरिट किया लेकिन पंजाब नू इस बवंडर चो कढ़ना साड़ा धर्म भी है, साड़ा फर्ज भी है, हुण किसे ते उंगलां नहीं चुकियां जा सकदियां। CM साहब ने सारे पंजाब दे वास्ते ग्रांटां दे रूप दे विच तोहफे भेजे है, डिवेलपमेंट दे रूप दे विच तोहफे भेजे है। साड़ा इक्को ही एजेंडा है, विकास विकास विकास। वह मैं तुहानू संखेप दे विच दस चुकिया, साडी सरकार दीयां उपलब्धियां चाहे लॉ एंड ऑर्डर होवे, चाहे विमेन एम्पावरमेंट होवे, चाहे 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन होवे, चाहे किसानां दे कर्जे की माफ़ी की भावना होवे जिहड़ी कि सब तो सर्वोच्च है, तो चाहे सरकार दे जिहड़े प्रोग्राम्स ने, चाहे स्किल डिवेलपमेंट होवे, चाहे एजुकेशन, चाहे हैल्थ, हर तरह दे नाल तुहानूं उहदा बखान कीता है। और वी आर नॉट ऑबलीगेटेड टू सक्सीड, वी आर ऑबलीगेटेड टू ट्राई आर लेवल बेस्ट। वायदे अंडे टुटते हैं, कोशिशां कामयाब हुंदियां ने, असी अज भी इस कोशिश दे विच जा रही हां और मैं उम्मीद करदा और प्रण भी करदा कि इस गणतंत्र दिवस के उत्ते श्री अमृतसर साहब नूं प्रणाम करते हुए उन्हां नूं वचन भी दिना कि जो असी कहा वो साडी सरकार दे 5 साल मुकम्मल होण तो पहलां पहलां वचन निभा देंगे, पूरा करके जावांगे। और जो इन्हां 5 सालां दे विच होऊगा, क्योंकि मैं MP भी रहा 3 बार, वो शायद पिछले 50 सालां दे विच ना होया होऊगा। सब तो वड्डी चुनौती साडे लई फंड लियाउणा सी, हुण फंड उपलब्ध ने जिहड़े कि किसे सरकार ने उपलब्ध नहीं कीते। मैनूं याद है कि जदों मैं MP हुंदा सी असीं 100 करोड़ रुपये बादल साहब तों लियाए सी ते जशन मनाउंदे हुंदे सी, ते अज देख लो 1000 करोड़ रुपया। चैलेंज हुण इक होर है साडे सामणे, वो चैलेंज ये है कि 1000 करोड़ रुपया असी सही तरीके नाल लवा दीए, सुपने साकार करन दा भी मौका, जिहड़े 5 पुल मेरे रोके सी वो भी पूरी तरह साकार होण जा रहा है।
हर तरीके दे नाल दो होर तोहफे BRTS का उद्घाटन होने जा रहा है। बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है 32 करोड़ रुपये का वह उद्घाटन होने जा रहा है। होर बहुत तरह दीआं सौगातां कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने कैप्टन सरकार लोगों के द्वार वो चाहे पीण वाला पानी होवे नहरी चाहे नक्शे ऑनलाइन होण चाहे STP चंगे चलाने होण चाहे 67 सर्विसेज ऑनलाइन होण मतलब हर तरह का COH दे वास्ते 1600 करोड़ रुपया पीण का पानी वो वास्ते फायर सर्विसेज दे वास्ते 550 करोड़ और तुहानू खुशी होगी कि कल हिंदुस्तान की हिस्टरी दे विच पहली बार 13 पंजाबियों 15 दे विचों फायरमैन जिन्होंने अपनी जिंदगियां दाव दे उत्ते लातियां उन्होंने प्रेजिडेंशियल अवार्ड मिले ने प्रेजिडेंशियल मैडल मिले ने। इस करके असी हर थां दे उत्ते द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज़ द रूम फॉर इंप्रूवमेंट जो बेहतर है उसे स्वीकारा सब ने।